नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है प्लम्बर मैन। दोस्तों, आज हम आपको किचन में ठंडे गर्म पानी के कनेक्शन के बारे में बतलाएंगे। इससे पहले हम आपको बाथरूम में ठंडे गर्म पानी का कनेक्शन के बारे में बतलाया है, जो कि कंसिल सिस्टम, मिक्सर सिस्टम और डायमीटर सिस्टम, तीनों सिस्टम के बारे में बतलाए हैं। आज हम आपको किचन में ठंडे और गर्म पानी का कनेक्शन किस तरह से किया जाता है और गर्म पानी का कनेक्शन किस पोजीशन में होना चाहिए और किस साइड होना चाहिए और ठंडे पानी का कनेक्शन किस पोजीशन और किस साइड में होना चाहिए। तो आइए हम आपको जानते हैं, आपको बताते हैं कि ठंडे गर्म पानी का कनेक्शन किस तरह से किचन में होना चाहिए। जैसा कि अभी सामने देख रहे हैं दोस्तों कि हमारे पास दो पॉइंट दिख रहे हैं हमारे सामने, ये ठंडे पानी का कनेक्शन है और ये गर्म पानी का कनेक्शन है। इसमें मिक्सर लगा, सिंक वाल मिक्सर लगाया जाएगा और ये हमारा गर्म पानी का गीजर का कनेक्शन है और ये ठंडे पानी का कनेक्शन है। दोस्तों, जब भी इन दोनों पॉइंट पर काम करें तो ये दोनों पॉइंट की ऊंचाई 6.5 इंची, 7 इंची, 8 इंची या फिर क्लाइंट के ज़रूरत के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस 6.5 इंच का ही होना चाहिए। ऊंचाई 7 इंची या 8 इंची एक्सेस है, ऐसे 6.5 इंची दे सकते हैं ऊंचाई भी, और डिस्टेंस 6.5 इंची तो पक्का होना चाहिए। दोस्तों, जब भी गर्म पानी का कनेक्शन करें तो हमेशा बाईं ओर करें और CPVC पाइप या GI पाइप से करें, और ठंडे पानी का कनेक्शन PVC से भी कर सकते हैं और CPVC से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं मेरे सामने कि जैसे ही हमने ठंडे पानी का कनेक्शन उठाया है तो गर्म पानी का कनेक्शन को मिलाने के लिए एक पाइप दूसरे पाइप को रोक रहा था, तो यहाँ पर हमने बाईपास बैंड दिया है। अब इसको हम सीमेंटेड कर देंगे ताकि हमारा पॉइंट सेफरेट हो जाए, और यदि हमारे मिस्त्री जब प्लास्टर करने आए तो इस पॉइंट को छेड़छाड़ ना करें, अच्छे से जाम करके इसको पक्का कर दिया जाएगा। दोस्तों, जब भी आप हमारे वीडियो में बनते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।